Hey guys, welcome to my channel My Passion Food. I'm Bhumika and today's recipe is Samikanti Sabzi. Ingredients hame chahiye oil, garam masala, hara dhaniya powder, salt, lal mirchi, haldi, jeera powder aur ye jo paste hai wo adrak lehsun aur pyaaz se bana hai. Hame isme heeng bhi dalni hogi aur ye hai hamara samikanti. जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है उसमें मैंने दो प्याज, कम से कम 10 से 12 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है. बनाने के लिए रेसिपी मैं कुकर में ऑयल गरम कर रही हूँ. ऑयल मेरा गरम हो गया है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ समीकरण. इस समीकरण को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका ये जो मॉइस्चर आपको दिख रहा है, जो पानी है, वो उड़ ना जाए. ये पानी इसलिए है क्योंकि मैंने इसे करीब 3 से 4 बार वॉश किया है. बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि इस पे बहुत ही मोटी मिट्टी की कोट होती है, सो इसलिए इसे साफ करना अच्छे से बहुत जरूरी है. इस प्रोसेस में ये ऑलमोस्ट हाफ कुक हो जाएगा. अभी ये कुक हो गया है, मैं इसे कुकर से निकाल देती हूँ और ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ. इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग इट्स ग्रेवी. तो ये मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है, उस पर सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको कुक करेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता. नमक डालने से ये मसाला जल्दी पकता है, सो इसको बीच बीच में चलाना ज़रूरी है. अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारा मसाला जो है वो कुकर के पैने पे चिपकने लगेगा. ये पक चुका है अच्छे से. अभी मैं इसमें हींग डालूंगी. इसको भी मैं कम से कम 1 से 2 मिनट तक चलाऊंगी. अभी वक्त आता है सभी ड्राई मसालों को डालने का, लाइक हल्दी, हरा धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला. ये गए मेरे सारे मसाले इसमें और करते हैं इसको अच्छे से मिक्स. इसे भी हमें तब तक पकाना होगा जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता. इसको पकाते वक्त आप बीच बीच में पानी ऐड कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना. ये देखिए मैंने इसमें 2 बार ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है, करीब 1 से 2 चम्मच. ये मेरा मसाला ऑलमोस्ट पक गया है, तो अब मैं इसमें मेरा ये जो भुना हुआ जमीकंद है इसे ऐड कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे. ध्यान रहे ज़्यादा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं. थोड़ा सा पानी डालेंगे. ये जो पानी है करीब 1 से 2 टेबलस्पून मैंने डाला है, ये मदद करेगा स्टीम लगने के लिए. और अब हमें इसको स्टीम होने देना है. मैं फ्लेम को मीडियम से हाई पे कर रही हूँ और तब तक वेट करूंगी जब तक कि इसमें एक स्टीम नहीं आ जाता. मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही स्टीम लाना है, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज ये जो समीकरण है वो पूरी तरह से गल जाएगा. ये देखिए इसको स्टीम आ गया है और कुकर मेरा ठंडा भी हो गया है कुछ ही देर में. अभी मैं इस सब्जी को एक बाउल में निकाल देती हूँ और इसको हरा धनिया पत्ता से गार्निश करती हूँ. इस गरम गरम सब्जी को आप पराठा या चपाती के साथ सर्व कीजिए और बताइए कैसा लगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल for getting more updates. You can also follow me on social media. Thank you so much for watching guys. See you soon in my next video. Bye bye.